साल पूरा होने पर अब सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, कितना बदला उत्तर प्रदेश और क्या है उपलब्धियां योगी सरकार की, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। सर, 3 साल की अगर बात करें तो कितना बदल पाया है उत्तर प्रदेश? नहीं देखिए, 3 साल में जो 30 साल में काम नहीं है वो योगी जी ने करके दिखाया है। और उत्तर प्रदेश कितना बदला है वो उसके तो बड़े प्रमाण हैं। मैं कहीं कृषि क्षेत्र की बात करूं तो कृषि क्षेत्र में ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं। 36,000 करोड़ का जो लोन माफ किया वो तो एक अलग हो गया, बहुत महत्वपूर्ण था। आपके गन्ना किसानों के जेब में उन लोग का जो पुराना भी भुगतान था जो समाजवादी पार्टी का था वो भी आज दे दिया है, समय से दिया जा रहा है। उसी प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र खोजने जो टेक्नोलॉजी है उसको भी लेकर आ रहे हैं, ऐसे 30 कृषि विज्ञान केंद्र खोल गए। स्वास्थ्य की सेवा मैं कहूँगा क्षेत्र में बड़ा बड़ा काम हुआ है, अनेक कार्य हुए, मगर सबसे बड़ा जो मेरे को दिखता है क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री स्वयं था उस समय, तो जो जैपनीज इन्फ्लुएंसाइटिस और एक्यूट इन्फ्लुएंसाइटिस जिससे हजारों बच्चों की मौत होती है, हर साल हो रही थी पिछले 40 साल से, वो आज ना के बराबर कर दी गई है। उसी प्रकार से जो गांधी जी का एक बड़ा भारी एक सपना था कि जो रोजगार है, स्वरोजगार जिसको कहते हैं, वो गाँव तक की पहुँचे, तो गाँव तक के मुख्यमंत्री ने ऐसी जी एक स्कीम लेकर आए महत्वाकांक्षी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, एक जनपद एक उत्पाद, हर डिस्ट्रिक्ट से एक उत्पाद लिया जिसको डेवलप किया, उसकी मार्केटिंग कर रही है, उसकी डिजाइन और उसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आज वैसा करते करते 5 लाख लोगों को इस प्रकार का रोजगार मिल गया है। मैं ज्यादा नहीं लंबा कह रहा हूँ, ये आने वाले 5 साल दे रहा हूँ, इसी प्रकार से सरकार चलती रहेगी, आशीर्वाद जनता का मिलता रहेगा, योगी जी का नेतृत्व रहेगा, तो 5 साल के अंदर नंबर वन स्टेट हर दृष्टि से उत्तर प्रदेश रहेगा। शुक्रिया सर। पिछली सरकारों की बात करें तो उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है जहां पर दंगों की सैकड़ों दंगे हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसे उत्तर प्रदेश में इन दंगों पर विराम लग चुका है। कैमरा पर्सन रियाज अहमद के साथ अनूप सिंह, के न्यूज लखनऊ।